बड़े भाग को ऋण देने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे और इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र की संरचना। बच्चों याद रखिएगा, आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पर आधारित रहेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ संरचना के बारे में बताया जाएगा। अगर आप गुणसूत्र के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारियां लेना चाहते हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। याद रखिएगा, पिछला वीडियो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ तमाम प्रकार के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही कंपलसरी है, इसलिए पिछले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले आप जानिएगा कि गुणसूत्र बना कैसे होता है, दिखता कैसे है, कैसे वर्क करता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें निर्माण को लेकर के, इसका निर्माण यानी फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, मेंशन किया था कि गुणसूत्र का फॉर्मेशन डीएनए और प्रोटीन के द्वारा होता है। बेसिकली दो चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, एक आपका डीएनए होता है और दूसरा प्रोटीन होता है। डीएनए के बारे में आप लोग जानते ही हैं, फिलहाल मैं प्रोटीन के बारे में बता दूं कि इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। इसमें आपका हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन ये ज़्यादातर इसमें प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, डीएनए पर दो टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा लगभग 90% होती है, यानी कि डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन 90% पाया जाता है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या इसका फंक्शन है, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि गुणसूत्र का ये फिगर बनाया गया है। आपको पता होगा कि गुणसूत्र जो है ये जोड़ी में पाए जाते हैं। मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और बना करके आप लोगों को बता देता हूँ, ये गुणसूत्र की संरचना है। एक डायग्राम मैं यहाँ पर और बना दे रहा हूँ, ये रहा आपका गुणसूत्र। जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है इसको भी हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को लेकर के, याद रखिएगा, लेकिन बेसिक जो जानकारी देते हैं वो दोनों का सेम टू सेम होता है। एक बात और जानिएगा कि गुणसूत्र जो होते हैं, मैंने बताया कि वो जोड़ी में होते हैं, तो जब तक वो जोड़ी में रहेंगे तब तक उन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वो अलग होंगे, एक एक धागे के हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तब उन्हें क्रोमैटिड कहा जाता है। याद रखिएगा, इन दोनों शब्दों में एक चीज का डिफरेंस है, क्रोमोसोम और क्रोमैटिड, क्रोमैटिड दोनों में फर्क क्या है। क्रोमोसोम किसे कहते हैं, तो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो क्रोमोसोम का है, यानी कि गुणसूत्र का है। अगर इन दोनों भागों को हम अलग अलग कर दें, एक कर दें, तो कहलाएगा वो क्रोमैटिड। यहाँ पर आप देख रहे हैं जुड़ा हुआ है, अगर एक धागा सिर्फ कर दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ सिंगल धागा बना दिया जाए, तब वो क्रोमोसोम नहीं कहलाएगा, बल्कि तब उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिड कहते हैं। तो क्रोमैटिड और क्रोमोसोम में आप डिफरेंस जान गए होंगे। गुणसूत्र क्या होता है, ऑलवेज जोड़े में होता है, दो धागों का सेट होता है, तब उसे हम गुणसूत्र कहते हैं, लेकिन जब सिंगल धागा होता है तब उसे हम क्रोमैटिड कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एक बात और जानते रहेगा, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर अगर बात करते हैं, तो बेसिकली
गुणसूत्र के फॉर्म में ही रहता है, डबल धागे के रूप में ही रहता है क्रोमोसोम। लेकिन जब सेल का डिवीजन होना होता है, कोशिका का विभाजन होना होता है, तो उस दौरान ये दोनों धागे अलग होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही समय ये अलग होंगे, जब कोशिका टूटती है, एक कोशिका दो भाग में बढ़ती है, तो सिर्फ और सिर्फ टूटने के समय ही ये दोनों धागे अलग होते हैं। बाकी इसके अलावा जब सेल टूट के बन जाती है अथवा टूटने से पहले, उस कोशिका में जो धागा होता है गुणसूत्र का, वो युग्मित होता है, अर्थात जोड़े में ही रहता है, ऐसे ही रहता है। तो याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं, आपसे पूछा जाता है कि क्रोमोसोम्स अलग कब होते हैं, क्रोमेटिड्स अलग कब होते हैं, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। याद रखिएगा इस बात को। एक बताओ, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गुणसूत्र किससे बनता है, याद रखिएगा, ये तो मैंने बताया कि इसका निर्माण दो चीजों से होता है, लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि गुणसूत्र किस कोशिकांग से बनता है, तो हमारा जवाब क्या होगा वो ध्यान से देखिएगा। ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर आप देखेंगे ऐसे जाल जैसा कुछ दिखेगा, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के धागे। ये केंद्रक के अंदर उपस्थित जाल जैसी रचना होती है, जो कि धागों की बनी होती है, जिन्हें हम क्रोमैटिन के धागे कहते हैं। इन्हीं धागों पर जगह जगह पर मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वही भाग टूट करके अलग हो जाते हैं, और तब उनसे निर्माण होता है क्रोमोसोम का, यानी कि गुणसूत्र का। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, तो आपका आंसर होगा क्रोमेटिन के धागों से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं यहां पर इसको भी लिख दे रहा हूं, क्रोमेटिन के धागों से। याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किन कोशिकांगों से होता है, तब सिर्फ आप जवाब देंगे क्रोमेटिन के धागे से। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए किससे बना होता है, तो आपका जवाब बनेगा डीएनए प्लस प्रोटीन का। तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चर में आपको इतना जरूर लिखना होगा कि क्रोमोसोम्स बेसिकली दो धागों का युग्मित स्ट्रक्चर होता है, दो धागों की युग्मित संरचना होती है। जब तक दोनों धागे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तब तक उसे हम गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। ये अवस्था कोशिका विभाजन के पहले अथवा कोशिका विभाजन के बाद तक रहती है। जिस दौरान कोशिका टूटती है, उस समय ये दोनों धागे अलग होते हैं, और उन अलग अलग धागों को क्रोमेटिड कहा जाता है, एकल गुणसूत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, इसकी संरचना के बारे में। इतना लिखने के बाद हमें आगे लिखना है कि गुणसूत्र का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो पेलिकल का बना होता है। स्पेशली याद रखिएगा, हमें यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि गुणसूत्र की संरचना निम्न प्रकार से होती है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और सबसे पहला रिंग बनाएंगे आप पेलिकल, और इस हेडिंग के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि गुणसूत्र की जो सबसे बाहरी परत होती है, पतली वाली परत होती है, सिंगल लेयर होती है, वो पेलिकल कहलाती है। वो पेलिकल एक मटेरियल है, जस्ट लाइक अ कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसी प्रकार से ये सबसे बाहरी परत पेलिकल की बनी होती है। आप बिना हेडिंग डाले डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एक ही में मिक्स करके, लेकिन अगर आप हेडिंग को हेडिंग डाल के लिखते हैं तो वो कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। सेकंड हमारा होगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? गुणसूत्र के अंदर जो भी लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को मैट्रिक्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये क्या है? लिक्विड है। उस लिक्विड को मैट्रिक्स कहा जाता है, और उसी मैट्रिक्स के अंदर, गुणसूत्र के अंदर दो धागे आपस में लिपटे होते हैं। उन धागों की जो पतली संरचना होगी वो क्रोमोमियर
और जो मोटी संरचना होगी वो क्रोमोनिमेटा कहलाती है। याद रखिएगा, आप यहाँ देख रहे हैं ये धागे क्वाइल्ड हैं, लिपटे हुए हैं और एक स्पेशल टाइप की संरचना बना रहे हैं। दो धागे हैं इसमें, इसमें से जो पतला धागा है उसे हम क्रोमोमियर कहते हैं। ये क्या है? पतला धागा। तो गुणसूत्र के अंदर जो पतला सा धागा दिख रहा है, ये पतला वाला स्ट्रक्चर, नैरो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोमियर कहते हैं और जो मोटा स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। तो याद रखिएगा, फोर्थ आपका बनेगा क्रोमोनिमेटा। तो ये क्या है? मोटा धागा। अगला पॉइंट आपका बनेगा फिफ्थ पॉइंट, जिसे हम लिखेंगे सेंट्रोमियर। याद रखिएगा, ये हमारा है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर किसे कहते हैं? जब क्रोमोमियर और क्रोमोनिमेटा ये दोनों धागे एक स्थान पर जुड़ते हैं, उस गांठ को, उस जोड़ को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम ये दो अलग अलग चीजें हैं। सेंट्रोसोम एक कोशिकांग है और सेंट्रोमियर ये जोड़ होता है। दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, याद रखिएगा, उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्रोमोमियर और क्रोमोनिमेटा एक स्थान पे जुड़ करके एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये क्या है? एक जोड़ है, या ये कह सकते हैं एक गांठ है। अच्छा, ये सेंट्रोमियर एक बन सकता है, दो बन सकता है, या इससे ज्यादा भी बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस सेंट्रोमियर के आधार पर भी गुणसूत्र कई प्रकार के होते हैं। बेसिकली ये टॉपिक 11 में है, 10 में नहीं है, ना ही 9 में है, याद रखिएगा। लेकिन गुणसूत्र की जो संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं वो 9 में भी है, 10 में भी है, 11 में भी है, बेसिकली याद रखिएगा। ये 12 में नहीं है, फिर भी आपसे जेनेटिक मटेरियल के तौर पे अगर पूछा जाता है डीएनए गुणसूत्र की संरचना, तो आप वहां पर बता सकते हैं। 9, 10, 11 तीनों क्लासों के बायोलॉजी के सिलेबस में ये इसका फिगर डायग्राम पूरा इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। आइए आगे बताते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रोमियर की संख्या एक, दो या इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इसकी संख्या के आधार पर भी गुणसूत्र कई प्रकार के होते हैं, जिसका स्टडी हम लोग अपने अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सेंट्रोमियर जिस स्थान पर बनता है उसे हम कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, यानी कि संकीर्णन। तो ये आप 6 हेडिंग बना करके लिख सकते हैं, संकीर्णन। ये क्या है? संकीर्णन, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? सेंट्रोमियर जिस जगह पे बना होता है उस जगह को, उस स्थान को कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। ये आपका पहला जगह है, इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये दूसरा जगह है, इसलिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके अलावा और बनेंगे तो टर्शियरी, या ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। याद रखिएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन इस लोकेशन है जहां पर जोड़ बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा लूप या सैटेलाइट। लूप है या सैटेलाइट, सैटेलाइट। तो गुणसूत्र का सबसे लास्ट छोटा सा हिस्सा लूप या सैटेलाइट कहलाता है। इतना लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग। इतना लिखने पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप हेडिंग टू हेडिंग लिखते हैं तब अच्छी बात है, अगर आप एक ही में लिखना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन हेडिंग टू हेडिंग लिखेंगे तो आपको ज़्यादा पॉजिटिव मार्क्स मिल सकते हैं। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। गुणसूत्र की संरचना को हम निम्न प्रकार से लिखते हैं या व्यक्त करते हैं, चाहे जैसे लिखिया। पहला डीऊंगा पेलकल, गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण पेलकल कहलाता है, जो कि पेलकल का ऑलरेडी बना होता है। दैट इज अ केमिकल कंपोनेंट, ये एक रासायनिक यौगिक है और इसी पेलकल के आवरण के अंदर बाकी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो इसका जो बाहरी सिंगल परत होता है उसी को हम पेलकल कहते हैं।
इसके अंदर जो गाढ़ा सा लिपिड भरा होगा उसे मैट्रिक्स कहते हैं, और फिर उसी मैट्रिक्स में दो धागे होते हैं, जो पतला धागा होता है उसे हम क्रोमोमियर और जो मोटा धागा होता है उसे हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं, और ये दोनों धागे जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसे हम सेंट्रोमियर, याद रखिएगा सेंट्रोमियर कहते हैं, और उस स्थान को हम कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, और गुणसूत्र का सबसे निचला छोटा सा भाग लोबिया सैटेलाइट कहलाता है। इतना हम संरचना में लिखेंगे तब जा करके हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार, ये सिर्फ और सिर्फ 11 वाले बायोलॉजी के सिलेबस में है, 9, 10 या 12 में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक अपने प्रश्न को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।